हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे कॉमन कार्डिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उन्हें कैसे कम करें। साइड इफेक्ट्स क्या हैं ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आज हम बेसिकली ज़्यादातर इस बात पर फोकस करेंगे कि साइड इफेक्ट्स को कम किया कैसे जाए और किस पेशेंट्स में ज़्यादा लाइकली है कि एक पर्टिकुलर ड्रग से साइड इफेक्ट होगा। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि साइड इफेक्ट्स तो आपने बताए, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बताए। ऑब्वियसली सुन के डर लगता है कि हर दवा से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका जीरो साइड इफेक्ट्स हो। तो करें क्या अगर किसी ड्रग से साइड इफेक्ट हो रहा है या हो सकता है, तो पहले तो कैसे उसे प्रेडिक्ट करें और सेकेंडली उसे रिड्यूस कैसे करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि साइड इफेक्ट का प्रोफाइल थोड़ा कम हो, उस बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। आते हैं आज का टॉपिक पर। ज़्यादातर कार्डिक मेडिसिन क्या हैं? कार्डिक मेडिसिन ज़्यादातर एंटीप्लेटलेट है, जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासुगेल, टिकाग्लोर ये कॉमन है। स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने वाली दवा, हार्ट फेलियर के मेडिसिन जिसमें बीटा ब्लॉकर, SGLT2 इनहिबिटर्स और एसी इनहिबिटर्स, एल्डेक्टॉन ये कॉमन दवा है, एसिट्रॉम या विटामिन के एंटागोनिस्ट ये कॉमन दवा है, इवाब्रिडिन ये ज़्यादातर मेडिसिन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल कॉमन मेडिसिन जो हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़्यादातर दिया जाता है उस बारे में बात करेंगे। वैसे देखिए कार्डियक की मेडिसिन बहुत सारी हैं, तो हर एक की डिटेल्स में अगर मैं जाऊँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेस यूजफुल हो जाएगा हर एक आदमी के लिए। तो कॉमन मेडिसिन पर ही हम बात करेंगे और उनको कैसे रिड्यूस करें उस बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर इन मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन क्या हैं? जो खून पतला करने की दवाई है उनसे थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, शरीर में चकत्ते आ सकते हैं, रैशेज आ सकता है, कुछ खून पतला करने वाली दवाई से थोड़ा GI इंटॉलरेंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। जो SGLT2 इनहिबिटर्स है उससे थोड़ा यूरिन में जलन हो सकता है, पेशाब की जगह इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो एसिट्रॉम वगैरह ऑब्वियसली उससे खून पतला करने की दवाई तो ब्लीडिंग हो सकता है। स्पाइनल एक्टिन एंटागोनिस्ट से निपल्स के पास मेल पेशेंट्स में पेन हो सकता है, गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है, स्टैटिन से मस्कुलर पेन हो सकता है, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। बीटा ब्लॉकर से भी थोड़ा BP धबकारा कम होना, ऐसे AC इनहिबिटर से सूखी खांसी होना ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कार्डिक मेडिसिन से होते हैं, कॉमन कार्डिक मेडिसिन से। आज बात करेंगे उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किन पेशेंट में ज़्यादा होगा उस बारे में बात करेंगे। ये ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये सारे ही साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं, इसमें कोई भी परमानेंट डैमेज कुछ नहीं करता है। इनको अगर आप इग्नोर भी करें या इसके लिए ज़्यादा कुछ ना भी करें, सिर्फ डॉक्टर को रिपोर्ट कर दें और वो मेडिसिन को चेंज कर देगा तो भी चलेगा। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन में सब में साइड इफेक्ट होते हैं और मेडिसिन को खाने से किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है और दुनिया भर की बकवास, तो वैसा यूजली नहीं होता है। ज़्यादातर ये मेडिसिन उल्टा किडनी और लिवर को सब चीज़ों को प्रोटेक्ट ही करती हैं। अगर किसी चीज़ में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता भी है तो रिवर्सिबल है, एटलीस्ट कार्डियक मेडिसिन का कह रहा हूँ। आई एम नॉट गारंटिंग अबाउट अदर ऑल मेडिसिन, मैं दुनिया की सारी मेडिसिन के बारे में इन जनरल नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि दुनिया में बहुत सारी तरह की मेडिसिन और खासकर एंटी कैंसर वाली मेडिसिन तो ऐसी होती हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। पर जैसा जो बीमारी है, जैसी जो मेडिसिन है, हर एक अपना साइड इफेक्ट प्रोफाइल होता है। मैं कार्डियक मेडिसिन की ज़्यादातर बात करूँगा, उनमें से जो कॉमन है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इन जनरल मेडिसिन को साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कॉमन टिप्स यही हैं कि जो लोएस्ट पॉसिबल डोज है उस डोज पर मेडिसिन को लीजिए। जो हाई ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट्स हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को मत यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरी हो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल के लिए ज़्यादा मेडिसिन को यूज़ कीजिए। जैसे हाई डोज स्टैटिन्स है या हाई डोज एंटीप्लेटलेट्स है, वो भी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल के लिए यूज़ कीजिए। जहाँ पॉसिबल है या पेशेंट को सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वैसे ऑल्टरनेटिव मॉलिक्यूल्स को यूज़ करें जिसमें साइड इफेक्ट होने का चांस कम है। अब आते हैं एक इंडिविजुअल ड्रग्स के लेवल पर बात करेंगे, ये ड्रग से क्या साइड इफेक्ट होता है, कैसे कम किया जा सकता है, किन लोगों को होने का चांस है, इस तरह से इस पैटर्न पर आज का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है जो हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर पेशेंट को दी जाती है। इनिशियली इसका डोज 75 मिलीग्राम्स होता है, ज़्यादातर केस में लाइफ लॉन्ग दिया जाता है। ज़्यादातर साइड इफेक्ट में इसमें लोगों को एसिडिटी होता है, गैस हो का ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग सेंसेशन ज़्यादा होता है, किसी को अगर पेटों में अल्सर है तो वो अल्सर से ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है, GI साइड इफेक्ट ज़्यादा है। और इसके अलावा किसी किसी का थोड़ा किडनी डैमेज कर सकता है, किसी किसी को थोड़ा एस्थमा वाले पेशेंट्स में या जो इनटॉलरेंट है एस्पिरिन को, उनको एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा हो सकता है। एस्पिरिन इंड्यूस GI साइड इफेक्ट ज़्यादातर या अल्सर वगैरह ज़्यादातर वैसे लोग को हो सकता है जो
जिनको एसिडिटी की पुरानी हिस्ट्री, एसिड पेप्टिक डिजीज के पुराने पेशेंट्स हैं उनको होने का चांस है, जिनको पहले से एसिडिटी वगैरह ब्लोटिंग का चांस है उनको हो सकता है, पहले से किसी को अगर एलर्जिक अस्थमा की हिस्ट्री और किडनी का डैमेज है तो वैसे लोग को हो सकता है। अगर अगर पहले से किसी का किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज है, एस्पिरिन इंड्यूस वैसे किडनी डैमेज बहुत अनकॉमन है, तो किडनी डैमेज में अगर बहुत इंडिकेटेड है तो आप दे सकते हैं कि बहुत कम चांस है कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इससे होगा, लेकिन हो सकता है टेक्निकली स्पीकिंग। इसके अलावा पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, एसिडिटी वाली जो टिप्स है मेरे एक अलग वीडियो है, चाहे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उस वीडियो पे मिल जाएगा आपको काफ़ी सारे टिप्स एसिडिटी को कम करने का, पर उस चीज़ों को ज़्यादा आप फॉलो करें। और अगर किसी को जरा भी अगर मोशन में काला रंग का ब्लड जा रहा है या उनको एसिडिटी का सिम्टम ज़्यादा हो रहा है, ब्लोटिंग का सिम्टम वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि एस्पिरिन का इंटॉलरेंस अगर किसी को पहले से एसिडिटी है तो उनको होने का कंपेरेटिवली चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, और एक बार हुआ तो बार बार होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रखे प्रासुगल। प्रासुगल भी एक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है जो एंजियोप्लास्टी के बाद 3 महीने से 6 महीने या कभी कभी 12 महीने तक दी जाती है। 10 mg का डोज ज़्यादा दिया जाता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इससे ब्लीडिंग का है। ब्लीडिंग बहुत सारे लोग को थोड़ा सा स्किन में होता है, इकाइमोटिक पैचेस बनते हैं स्किन में, थोड़े से चकत्ते बन जाते हैं, वो पैचेस कॉमन है, ज़्यादातर इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और अगर ये होता भी है तो हम चलने देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 1-1.5 महीने तक पेशेंट को स्किन में दाग ज़रूर रहता है लेकिन बाद में चला जाता है, जब हम प्रासुगल बंद करते हैं, स्विच ओवर करते हैं तो वो कम हो जाता है। प्रासुगल से ज़्यादातर ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन जो है, इसके अलावा और कोई खास सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है। किसी किसी को थोड़ा डायरिया वगैरह हो सकता है। ज़्यादातर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स उम्र दराज पेशेंट में होते हैं, लो बॉडी वेट और फीमेल पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, उम्र जिनकी 75 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इससे बचने का तरीका यह है कि ज़्यादा उम्र दराज पेशेंट में ना दें, ज़रूरत भी है तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दें। साथ में दूसरे ब्लड थिनिंग मेडिकेशन अगर आप दे रहे हैं तो कंपेरेटिवली कम डोज पे दें। जरा भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो रिपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि हर उम्र दराज पेशेंट को इस दवा से ब्लीडिंग होगा, वो ज़रूरी है ऐसा नहीं है, पर हाँ जिसको अगर हो रहा है तो उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर ब्लीडिंग सिग्निफिकेंट है तो डॉक्टर उस डोज को कम करेगा और मैनेज करेगा उस दवाइयों को। उसका डोज 10 mg से जो स्टैंडर्ड डोज है, कभी कभी 5 mg पे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि 5 mg डोज के लिए उतना ज़्यादा इंटरनेशनल रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर किसी को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली इसका डोज कम कर सकता है। उम्र दराज पेशेंट में बियॉन्ड 70-75 एज के बियॉन्ड इसको कम रखे तो अच्छा है। ब्लीडिंग अगर हो तो रिपोर्ट करें और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल के लिए यूज़ करें तो अच्छा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है टीकाग्लॉट। टीकाग्लॉट भी एक न्यूरो एंटीप्लेटलेट है, सेम पैटर्न है, इसमें भी ब्लीडिंग का ही कॉमन साइड इफेक्ट होता है। उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है, इसको भी बहुत एल्डरली लोग में मत दीजिए। देना है बीते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मत दीजिए। एंजियोप्लास्टी बाद 6-6 महीने तक देखिए, फिर बंद कर सकते हैं, बाद में क्लोपिडोगल पे स्विच ओवर कर सकते हैं। इससे दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट है कि थोड़ा लोगों को सांस फूलने का तकलीफ हो सकता है। अगर आपको वैसा हो रहा है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करें, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेरीफाइलिन करके दवा है वो ले सकते हैं, पर डेरीफाइलिन इसके मेडिसिन के साथ भी इंट्रैक्ट कर सकता है, तो आप थोड़ा वॉकिंग रनिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आपको पहले से एस्थमा का हिस्ट्री है, एलर्जिक एस्थमा का हिस्ट्री है या ब्रोंकाइटिस का हिस्ट्री, तो डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। वैसे लोगों में टीकाग्लॉट से सांस फूलने का तकलीफ ज़्यादा हो सकता है, 100 में से 5 से 8% केस में हो सकता है। थोड़ा सा हृदय गति को भी कम कर सकता है, पर ये इतना सिग्निफिकेंटली कम नहीं करता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो। मेन तो इससे भी वही साइड इफेक्ट है कि ब्लीडिंग हो सकता है, वो कॉमन साइड इफेक्ट है। किसी किसी को GI इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी डायरिया हो सकता है। अगर वैसा हो तो चांस बहुत कम है, ज़्यादातर वो रिवर्सिबल होता है। 4-5 दिन तक आप डायरिया का मेडिसिन लेके फिर उसको कंटिन्यू भी करें तो इतना दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है। ये टीकाग्लॉट और प्रासुगल के कंपैरिजन में कम पोटेंट है, इसलिए इसमें ब्लीडिंग रिस्क कंपैरेटिवली कम है। ऑब्वियसली ब्लीडिंग जिनको भी होगा वो उम्र दराज पेशेंट, बॉडी वेट कम होगा, जिनको ड्रग इंटॉलरेंस ज़्यादा है, पहले से ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, दूसरी ब्लीडिंग वाली मेडिकेशन अगर चल रही है तो उनको ही ज़्यादा होगा। अदरवाइज ये कंपेरेटिवली काफ़ी सेफ है। इसको एस्पिरिन 75 mg और क्लोपिडोग्रेल 75 mg ज़्यादातर साथ में दी जाती है। फिर भी अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही हो तो ज़्यादातर केस में ये दोनों मेडिसिन में से फिर एक को दिया जाता है। टीकाग्लॉट और प्रासुगल से अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को पहले वो टीकाग्लॉट प्रासुगल को बंद करके क्लोपिडोग्रेल पे कर दिया जाता है। हिमोराइड वगैरह में या कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कम कर दिया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। खासकर अगर जो प्लास्टिक को 3-4 महीने हो गए हो तो स्टेप डाउन ईजिली आप कर सकते हो। फिर भी अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर दोनों एंटीप्लेटलेट में से किसी एक को दिया जाता है और उसको कंटिन्यू किया जाता है। अगर खासकर किसी को इतना ब्लीडिंग हो रहा है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो फिर ऐसा किया जा सकता है। क्लोपिडोग्रेल के साइड इफेक्ट से किसी किसी को थोड़ा डायरिया हो सकता है, GI अपसेट हो सकता है, पर ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए दवा बंद होते देखा सुना नहीं है। अगर डायरिया वगैरह हो रहा है तो गट के प्रोबायोटिक यानी गट के कीटाणुओं का फ्लोरा जो बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए,
ज़्यादातर ये साइड इफेक्ट्स रिवर्सिबल होते हैं। ब्लीडिंग का अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो डोज को थोड़ा कम करके मैनेज कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली 75 मिलीग्राम से ज़्यादा कम करने पर फिर इफेक्ट भी नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा कम कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। पर ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, खासकर क्लोपिडोगल से तो काफ़ी कम है, 100 में से 1% लोग को ही खाली होता है, वो भी एक साल में 1% चांस है। तो अगर ब्लीडिंग का ही कॉमन साइड इफेक्ट है, अगर किसी को हो रहा है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, डोज को दोनों में से फिर एक ड्रग को दे के फिर काम चलाना पड़ता है। पर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ड्रग का डोज आप कम करोगे उतना क्लॉटिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है, स्टेंट में क्लॉटिंग होने का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर बंद करना पड़ता है, खासकर अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और कंट्रोल ना हो रहा हो। अगर माइनर ब्लीडिंग है तो आप थोड़ा टाइम बंद करके रीस्टार्ट मेडिसिन को थोड़े दिन के बाद वापस कर सकते हैं, जब वो ब्लीडिंग जिस वजह से हुई वो प्रॉब्लम को आपने एड्रेस कर दिया। छोटा मोटा अगर स्किन में अगर ब्लीडिंग हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट में थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है या मुंह में से दो ड्रॉप ब्लड अगर आ गया, वो सब चीज़ों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते क्योंकि वो बहुत माइनर ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है। और ऑब्वियसली आप स्टेंट को रिस्क में नहीं डाल सकते, खासकर एंजियोप्लास्टी के पहले एक साल में, तो वो अगर आप वैसा करते हो तो फिर स्टेंट में क्लॉटिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। कम है, जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा है वो पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह ले सकते हैं। पुरानी हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, उनको किस तरह का साइड इफेक्ट पहले हुआ है, ड्रग प्रोफाइल उनका टॉलरेंस का कैसा है, उनको देख के दिया जाए। इन जनरल मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग को एक ऑब्वियसली देखिए मेडिसिन का साइड इफेक्ट थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होता है, 100 में से 4-5% लोग को होता है। हर पेशेंट को कौन सी दवा से एलर्जी होगा कह पाना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल रिएक्शन होता है। हाँ, ऑब्वियसली जो उम्रदराज पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, लो बॉडी वेट पेशेंट्स हैं, उसमें होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा देखा है कि अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स भी एक पर्टिकुलर पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। जो पेशेंट टॉलरेंट रहता है वो इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मेडिसिन को भी टॉलरेट कर लेता है, और जो पेशेंट इनटॉलरेंट रहता है वो 3-4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ से भी उसको साइड इफेक्ट्स होता है एट अ टाइम। तो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग मेडिसिन से भी उसको साइड इफेक्ट होता है, तो शायद ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इसको थियोरेटिकली या साइंटिफिकली प्रूव कर पाना मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर आदमी का ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है या बॉडी को ड्रग को टॉलरेट कर पाना मुश्किल है, इस वजह से उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा प्रूव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे हमेशा से आदत रही है कि मेरे क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट आता है उसको एक पर्टिकुलर दवा से अगर साइड इफेक्ट होता है तो मेरे नोट्स में या मेरे प्रिंटेड जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसमें लिख एंट्री कर देता हूँ कि ये मेडिसिन से इसको ये साइड इफेक्ट हुआ था, ताकि वो मेडिसिन दोबारा ना दी जाए। क्योंकि ऑब्वियसली हज़ारों पेशेंट्स में आपको याद नहीं रहता कि 5 साल पहले किस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया था और उसमें कौन सा साइड इफेक्ट हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने काफ़ी इस डेटा को पलट के देखा है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को एक पर्टिकुलर दवा से अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो बार बार उसी पेशेंट को अलग अलग दवाओं से भी साइड इफेक्ट्स होगा, अलग अलग तरह का साइड इफेक्ट्स होगा, लेकिन जिन लोगों का टॉलरेंस लेवल कम होता है उनमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों में हमें और ज़्यादा कॉशियसली मेडिसिन देना पड़ता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में 100 में से 90-95% केस में सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग इनटॉलरेंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि किस में होगा वो लक पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने कहा उम्रदराज पेशेंट्स में और फीमेल पेशेंट्स में, लो बॉडी वेट पेशेंट्स में, और ओवरऑल जिसका इंटॉलरेंस पैटर्न ज़्यादा है उनको नए ड्रग से भी इंटॉलरेंस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, उनका टॉलरेंस कम रहेगा। तो ये थोड़ा सा रूल्स हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसको साइड इफेक्ट्स होगा।